सभी हिंदुओं को संगठित होकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जैसी हिंदुओं की दशा हुई है वो बहुत चिंतनीय है। इसलिए वृंदावन के सभी संत महात्मा साधु कथावाचक सब जो है आज मार्च कर रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि हिंदुओं को अभी समय है अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है, और बाहर जहाँ भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होना, एकजुट होकर खड़े होना। और मेरा दूसरा निवेदन ये है कि अब समय आ गया है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम सब सौमनस्यता रखते हैं, सौहार्द रखते हैं, लेकिन अत्याचार झेलते झेलते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि करोड़ों हिंदू मारा जा चुका है पर दुनिया में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। इसलिए हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों को, अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी है, ताकि दुनिया जाने कि हमने कितने अत्याचार झेले हैं। अभी बांग्लादेश के हिंदू के साथ जिस तरह वहां के विभत्स चित्र हृदय को व्याकुल कर देने वाले दृश्य सामने हैं, ये सब को लेके संतों के हृदय में वेदना है, जिसके कारण संतों ने आज मार्च किया।